जो करना चाहता हूँ अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी से करना। ट्रैवल भी करते हो शौक से फैमिली के साथ? करना भी चाहिए फैमिली करना भी चाहिए। अच्छा मी टाइम भी है तुम्हारा कोई कि नहीं? जी वो है, और सम टाइम अपनी बेगम को। मी टाइम क्या है? मैं अपने आप को खुद टाइम देता हूँ, लाइक अगर मैं घर पे सम टाइम मैं अगर मैं फील करता हूँ तो मैं बेगम को कहता हूँ कि गो अवे फ्रॉम मी, गिव मी माय ओन 5 times 10 minutes, ताकि मैं अपनी मर्जी से उठूं बैठूं खाऊं पीऊं। वाह वाह, अच्छा तकरीबन इसी तरह जो मी टाइम है उसके अंदर मैंने स्टार्ट किया रिसेंट पास में गोल्फ खेलना, तो जब मैं वहां जाता हूं आई फील वेरी कंफर्टेबल। बच्चे साथ होते हैं ना? सम टाइम, नॉट एवरी टाइम। ये जो हफीज ने जो वर्ड इस्तेमाल किया खेलने कि मुझे टाइम दो, गो अवे, गो अवे, लाइक मुझे 22 साल हो गए, हमारे एक साथ डेब्यू हो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है ना फैमिली फ्रेंड्स और फ्रॉम द डे वन अभी तक फ्रेंड है, अभी भी बच्चे मेरे लाहौर में ही हैं, इनके घर पे ही है, लेकिन कभी मैंने ना सुना ना मैंने कभी ये मौका मिला है कि हफीज ने कहा गो अवे, मुझे टाइम चाहिए ऑलवेज। मरगुल यार तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, हमारी अब ऑडियंस को पता लग जाना चाहिए कि जितना टाइम हमारा एक दूसरे के साथ गुजरता है ना, इतनी बेगमी हमें इतना अच्छा नहीं जानती जितना हम एक दूसरे को अच्छा जानते हैं अंदर बाहर से। हमारी सारी एक्टिंग, हमारे सारे बोले सो कॉल्ड ड्रामे ड्रामे यस, और बड़ी सी चीजें मैं नहीं बात करना चाहता, गाल करनी भी नहीं है थे। सोचना भी नहीं। गुल्ली याद है ना कि हमारे टूर में जब हम मैच सीरीज आ रहा करते थे, पीजी को भी याद होगा, सबसे पहले चीज जो बैन करते थे ना वो बेगमी होती थी जी। अच्छा कुछ 4-5 ना हमारे सीधे लड़के खुद शिकायत लगा देते थे कि यार आप इनकी वजह से मैच हार गए, मतलब ब्लेम डाल देते थे, याद है तुम्हें वो वाक्य? जी जी जी, कुछ याद है ना कि हमारे टूर पे कुछ बैन हुई है कि यार खुद ही शिकायत लगा दी और यार बेगमों को यार ना दो, ताकि आप नहीं होना चाहिए था तड़ा, तो ब्याह ही नहीं सी होया मेरा, तो मेरा कभी इतराज था, यही इतराज था उनको कि ये तो वेला तलेला फिरता रहता है, हम फंसे होते हैं। नहीं तो वो शेब भाई वो यहाँ यहाँ तो नहीं बैठा हुआ ना, वो कौन था, वो नाम बताए ना प्लीज। मैं बता देता हूँ, विक्की भाई अक्सर शिकायत लगा देते थे। अच्छा हाँ, खुद ही बुला के खुद ही शिकायत ला देते थे। वसीम भाई मैं बता रहा हूँ, वसीम भाई ठीक है, तो हमसे पहले की बात है ना। हाँ हाँ बहुत पहले, जब हम आपस में खेले थे और मैं जाके वो जाना बाहर पार्टी शार्टी करना खा पी के वापस आ रहा, ये फंसे होते थे बेगमों के साथ और रोटी पे लेके जा रहे कभी क्या कर लेते। वैसे विक्की भाई सॉरी वीडियो बोलो जी, आप शिकायत लगाते थे। अच्छा और दूसरा विक्की भाई का हमें याद है, वैसे विक्की भाई का तो मैंने तो आइडियल है मेरे, तो मैंने तो उनको क्रिकेट देख के स्टार्ट की, लेकिन एज अ कोच विक्की भाई से ज्यादा वर्स्ट माना मैं कभी नहीं, लेकिन ये बात वो अब मान गए हैं। हाँ अब मान गए, अब मान गए ना, याद से बात करें तो वो कहते हैं कि वाकई मुझसे बेहतर डिसीजंस नहीं हुए दैट टाइम। अच्छा हाँ, और विक्की भाई हमें बहुत स्प्रिंट लगाते थे, गुल्ली तो बहुत फिट था बेचारा, 2010 में तो बहुत फिट था, 2010-11 बड़ी स्प्रिंटें लगाई। आपको पता है वर्ल्ड कप से पहले जब न्यूजीलैंड पहुंचे थे तो वार्म अप में जो ना आपने कहा कि 30 स्प्रिंट उधर से, पाइने क्रिकेट ही ता छोड़ दी थी यार, मैं उनसे क्रिकेट खेल सकना, मैं जो 10-10 शर्ट ना लग देने नहीं ला सकता, 10-10 शर्ट लगे कि भाई मैं नहीं लगा सकता था, और उस वक्त मैंने अपना दिमाग बना लिया था कि मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता, लेकिन मेरी क्रिकेट ना खेलने की एक खेलने की बड़ी वजह थी या रिटायरमेंट होने की बड़ी वजह थी, 2007 में मैं अपना रिटायरमेंट दे चुका था मेंटली, बट अगेन एक इंसिडेंट हो गया, उसके बाद दूसरा इंसिडेंट, देन आई हैड टू कम बैक एंड थैंक्स टू अफरीदी, कि अफरीदी ने मुझे कहा कि यार नहीं तुम्हें खेलना है आखिर तक, बट हमने आपके साथ भी खेलना है, लेकिन लेते हैं छोटा सा ब्रेक, सी यू बैक इन अ बिट, बाय। हमारा पुराना एक गाना है सोना ना चांदी ना कोई महल, सोना ना चांदी ना कोई महल, मैं तो दे सकूंगा, गाना है, वेल डन गुली।